खुद है, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए फाइनली काउंटिंग का दिन आ ही गया है, कल। और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदांडे ने कहा सुरक्षा का घेरा भी देखने को मिलेगा। केदारनाथ उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच ही है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, मतदान करीब 59% हुआ था और कल है नतीजों का दिन। देखना महत्वपूर्ण होता है कि वहां की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहां पर पहले ट्रांसपेरेंट पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है, उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहां पर तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट प्राप्त होंगे उसके लिए एआरओ उसकी मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है, वहां पर सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहां की सुरक्षा को तय किया गया है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सही मामले जानकारी के साथ। देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि काउंटिंग के दिन विपक्षी पार्टी है। बिल्कुल नलनी, अगर मैं आपको सीधी वो तस्वीरें दिखा सकता हूं कि मैं अभी अगस्त के बाद 173 ईवीएम यहीं रखी गई है केदारनाथ विधानसभा की और ये आप देख सकते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता सुरक्षा, यहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसके बाहर पहरे पे जो आईटीबीपी के जवान यहां खड़े हैं, उसके बाद पीएसी लगी है और मेन जो गेट है मेन गेट पे यहां पे पुलिस यहां पे तैनात है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद हम कह सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहां पे पूरी टीम यहां पे पुलिस की यहां पे खड़ी है क्योंकि कल का दिन एक अहम दिन हो अगर उत्तराखंड हरियाणा है। बहुत शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं अमूमन पक्ष विपक्ष दोनों के ही रथ भी बताई है। बीजेपी का कहना है कि 28,000 से ज्यादा महिला वोटर्स की ने वोटिंग की है जो कि बीजेपी और यही दो सूत्र उनके यानी कि बीजेपी की जीत की वजह बनने जा रहा है। पार्टी बहुत अच्छा मतों से जीतने वाली सीट बनने वाली है जहां महिला मतदाताओं ने मत प्रतिशत बढ़ाया, हमारी प्रत्याशी मातृशक्ति के रूप में वहां कैंडिडेट रही हैं और जिस प्रकार से हमने प्रवासी मतदाताओं को भी एक उत्साह के साथ मतदान करने का आह्वान किया तो मुझे आज कहते हुए 1700 से ज्यादा प्रवासी मतदाता जो हमारे कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में थे वो भी सब मतदान करने आए हैं। तो केदारनाथ में काउंटिंग से पहले कांग्रेस नेता और विधायक कहना है कि जीत कांग्रेस की होगी और उनके मन में इसको लेकर कोई आशंका नहीं है। तो पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया और हमारे मुद्दे जनता के बीच मुखर होकर लोगों ने रखे, हमारे नेताओं ने रखे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर हम जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली है जिसमें बेस हॉस्पिटल के संचालन के साथ मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की और कहा कि सभी विकास योजनाओं को समय के साथ धरातल पर उतारा जाए। सीएम ने जिले के विभिन्न इलाकों में बन रही पार्किंग की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। सीएम के साथ मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिले के 3 विधायक मौजूद रहे। अरे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग अवस्थापनाएं, सड़क, पीएमजीएसवाई और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं उन सभी पर चर्चा हुई है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि इसमें चाहे वो राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी विषय आए हैं उनके सभी अधिकारियों ने आज ये फाइनली बात हुई है कि जहाँ जहाँ पर भी ऑब्स्टिकल है वो चाहे बजट से है, चाहे काम से है, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस से है, वो सारी क्लियरेंस की आज पूरी की पूरी तरीके से उसको समय निश्चित किया। और रुड़की में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ एचआरडीए ने एक्शन लिया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से प्लॉट हैं और अवैध प्लॉटिंग का काम कर रखे हैं। एचआरडीए की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हमारी जो लगातार कॉलोनी जो है हमारी ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है, वैसे भी हम लोग हर करते हैं तो हफ्ते में जो है तोड़ने का हमारा टारगेट रहता है। सर अभी आगे क्या कार्रवाई चल रही है? अभी लगातार कार्रवाई चल रही है, सिर्फ माफियाओं पर ही नहीं, भूमि माफियाओं
अवैध अनाधिकृत जो है पास करा के फॉर्मेलिटी करते हैं, उन पर भी हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने की धमकी और 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज मामले में डीजीपी से सुरक्षा समेत अन्य पर इंतजाम पूछे हैं। कोर्ट ने डीएम और एसएसपी उत्तरकाशी को भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या इंतजाम है। अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को रोकने की मांग की है। याचिका में मस्जिद गिरने की धमकी और हेट स्पीच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई। याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सितंबर से लगातार मस्जिद गिरने की धमकी दी जा रही है। कोर्ट के सामने ये रखा था कि भाई ये लीगल बनी हुई मस्जिद है, 1869 में खरीदी, 86 में वक्फ कमिश्नर का इसमें निरीक्षण भी हुआ जिसमें ये पाया गया कि ये सुन समुदाय की एक लीगल मॉस्क है, ये गलत है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन वालों की हो सकती है, सूत्रों की माने तो सरकार ने इसका पूरा डेटा भी जुटा लिया है और अब बाकी एक्शन की बारी नजर। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सख्त धामी सरकार पिछले कुछ महीनों में 5000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा अतिक्रमण धार्मिक स्थलों के नाम पर किया गया था। इसके तहत अभी तक 546 से ज्यादा अवैध रूप से बनाई गई मजारों को ढहा दिया गया, लेकिन अभी भी 300 से ज्यादा ऐसे धार्मिक प्रतीक चिन्हित किए गए हैं जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण के बनाए गए। नगर और नैनीताल जिलों में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें कालागढ़ में कॉर्बेट के बफर जोन में मौजूद 2 शामिल है। कोई सड़क के किनारे है, कोई बिल्डिंग के अंदर है, कोई किसी के प्लॉट में बना दी गई है या किसी के घर में बना, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल है जो अवैध रूप से जमीन हथियाने की दृष्टि से सीजन और केदारनाथ उपचुनाव की व्यस्तता एक वजह रही। माना जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव पूरा होने के बाद सरकार एक बार फिर से युद्ध स्तर पर धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ। पूरे उत्तराखंड में 300 से ऊपर अवैध मजारे हैं और ऐसे ही कई उनकी मस्जिदें हैं जो वन भूमि में चिन्हित की चुनाव से निपट गए हैं, तो अब ये अभियान को बड़े गति के साथ चलाएं। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक धार्मिक प्रतीकों के नाम पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में इन अतिक्रमणों को हटाने के लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल भी काटा और सूत्रों की माने तो सरकार ऐसे सभी प्रकरणों की जांच कर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में आए युवाओं की स्थानीय लोगों ने जमकर मदद की है। आलम यह है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दर्जनों लंगर युवाओं के लिए लगाए हैं, जिसमें यूरी में भोजन कराया। तो से आए युवा सड़कों किनारे भूखे प्यासे लोगों को दिखाई दे तो पहाड़ के लोगों ने पहाड़ का दिल भी दिखाया और इन युवाओं के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम किए जिनकी दरकार इन्हें थी। कई लंगरों में रात रात भर स्थानीय लोग खाना बना रहे हैं और सुबह होते इसमें बाढ़ है। सर व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है सर यहाँ की और वातावरण अच्छा है, अपने यूपी के आ रखी फिजिकल है और खाने की हो रही है, निःशुल्क है सब कुछ। पिथौरागढ़ वालों ने बहुत ही निःशुल्क सेवा की है, बहुत ही बच्चे जो भूखे उनका से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिथौरागढ़ वालों का। लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चों को हम लोग यहाँ पे खाना खिला चुके हैं, वहीं जहाँ रात्रि में हम लोग सोने की व्यवस्था इनको करवा रहे हैं, वहीं हमारे लोग सुबह चाय की व्यवस्था भी इनको निःशुल्क तौर पर यहाँ पे करवा रहे हैं, एक प्रयास है यहाँ पे। 173 साल पुराने ब्रिटिश कालीन मसूरी के कंपनी गार्डन का नाम नैनीताल, कांग्रेस के साथ ही स्थानीय लोग इन हेरिटेज के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहे हैं। और हिल स्टेशन मसूरी में 1842 में गार्डन की नींव रखी गई जिसे बाद में उसने कंपनी गार्डिया मस्जिद कंपनी अट्रैक्शन है। अब 173 साल बाद गुरुवार को शहरी विकास विभाग ने इसका नाम बदलकर अटल किया। नाम गुलामी का प्रतीक था जिसे हटाया जाना जरूरी था। मंत्री का कहना है कि स्थानीय लोग भी कंपनी गार्डन का नाम बदलने की डिमांड कर रहे थे। इधर ऐतिहासिक धरोहरों के नाम बदले जाने का विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस है कि इतिहास क्योंकि आज बहुत हम आगे बढ़ गए, देश आजाद हो गया,
तब से लेके कंपनी गार्डन यानी कि अंग्रेजियत कही रही थी, दास्ता कही मांग आ रही थी कि भाई इसको इसका नाम परिवर्तन होना चाहिए। कायर लोगों के काम ऐसे ही होते हैं। हिस्ट्री से हमेशा सीखा जा सकता है। क्या कोई इस बात को नकार सकता है कि अंग्रेजों ने शासन किया? कोई इस बात को नकार सकता है कि मुगलों ने शासन किया? सीखने की चीजें हैं। और कोई नई चीज क्रिएट करो, हिस्ट्री मिटा के चीजें क्रिएट नहीं। अफगानिस्तान ने इसी तरह में भी 1873 में बनी ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को गिराने और गांव को संरक्षित किया जाना चाहिए। नैनीताल को बचाने का सवाल है और जो पोस्ट ऑफिस का सवाल है, 1873 का ये बना ऑफिस है, उसमें बिल्कुल ऐतिहासिक धरोहर बचाने पड़ेंगे। गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति के लेकर भी है, हम कह रहे हैं कि इनको हस्तक्षेप न किया जाए, जो जैसा है उसको किया जाए। उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन नामों को जाने को लेकर एक, जबकि कई लोग जिनमें इतिहासकार भी शामिल हैं, इनका साफ साफ विरोध कर रहे हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। 86% काम पूरे हो चुके हैं। रेल विकास निगम का कहना है कि 2027 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में 86 तक अगले साल से रेल ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। मार्च 26 तक हमारी फाइनल लाइनिंग का भी काम समाप्त हो जाएगा और बेलासलेस ट्रैक का टेंडर अवार्ड हो चुका है। डिजाइनिंग वर्क चल रहा है जो दिसंबर तक वो भी खत्म हो जाएगा। टनल संख्या 2 से आरंभ हो जाएगा और यह कार्य भी 2026 के दिसंबर तक। ये चारधाम यात्रा अभी पूरी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री सिंह ने केदारनाथ उपचुनाव में यात्रा का रूट बदलना एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का फैलाया हुआ झूठ बता रही है। चुनावी त्रह नवंबर नहीं हुआ, सरकार अभी से अगले साल की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर ने एक साल की यात्रा की तैयारियां शुरू की जाएं। यात्रा में व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए यात्रा से जुड़े सभी लोगों की राय ली जाए। दूसरे राज्यों से आने वाले टूरिस्ट को ऑनलाइन पूरी इसके लिए उत्तराखंड यात्रा प्राधिकरण का गठन हम कर रहे हैं, उसके लिए हम इनपुट्स ले रहे हैं। तो हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो खच्चर वाले हैं, डांडी वाले हैं, कंडी वाले हैं, सबसे हम इनपुट ले रहे हैं कि क्या यात्रा के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, क्या यात्रा के अंदर और सुविधाजनक कार्य होने चाहिए। ये सारा इनपुट लेने के बाद जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनसे भी ले रहे हैं, होटलियर से भी ले रहे हैं, और उसके बाद जो है उत्तराखंड यात्रा प्राधिकरण का जो है गठन होगा। चारधाम यात्रा से जहां गढ़वाल के तमाम लोगों का कारोबार जुड़ा है, वहीं इस बार केदारनाथ उपचुनाव में यात्रा को कुमाऊं डाइवर्ट करने जैसी भी बात उठी, तो दिल्ली के मंदिर से लेकर यात्रा को डाइवर्ट करने की बात को बीजेपी ने कांग्रेस का झूठ बताया। बीजेपी का कहना है कि गढ़वाल की इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और कांग्रेस को झूठ का जवाब चुनाव के रिजल्ट में मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यात्रा अच्छी हो ये सब चाहते हैं, पर सवाल है कि प्राधिकरण में नया कौन होगा? वही अफसर होंगे जिन्होंने इस बार की यात्रा का काम देखा। नहीं, ये तो खाली एक झूठ हम था एक तरीके, लेकिन गढ़वाल की जनता हो, कुमाऊं की जनता था, बहुत संवेदनशील। शुरुआत करने के लिए और उसका पूरा निष्पादन करने के लिए सरकार जो भी उचित कदम उठाए स्वागत है, प्राधिकरण बनाए जो बनाए स्वागत है। प्राधिकरण में कौन लोग होंगे? जिन लोगों ने इस साल यात्रा, तो लोग होंगे। तो मुख्यमंत्री इस बार क्या गारंटी देते हैं कि प्राधिकरण बनाने से ये यात्रा सुचारू चलेगी? बहरहाल उनकी कोशिश है और यात्रा अच्छी चलेगी तो हम भी इसका स्वागत करेंगे। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान है, लेकिन साल 2024 में कभी आपदा तो कभी चुनाव के चलते ये सियासी मुद्दा बनी रही। ऐसे में साल 2025 की चारधाम यात्रा पर कोई सियासत ना हो, सवाल ना उठे, सरकार ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दीपांकर भट्ट, 18 देहरादून। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच आज शाम तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल पुलिस आंदोलन कर रहे इन ग्रामीणों को धरने से उठाने पहुंचे। की जोशीमठ के डोमक गांव के ग्रामीण बीते एक साल से जिला मुख्यालय टिपेश्वर में धरने पर बैठे हैं, जिसे पुलिस ने उठाने की कोशिश की। हमारे पास नहीं सर,
और ऋषिकेश के शिवपुरी में करीब 3.5 करोड़ की लागत से साहसिक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण खेल मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जिसमें युवाओं को खेलों के लिए तैयार किया जाएगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आज मुलायम सिंह यादव की जयंती, अब अखिलेश यादव पहाड़ में पार्टी का भविष्य टटोल रहे हैं, पर क्या अपनी इमेज से अखिलेश पुराने दाग मिटा पोट। देहरादून के समाजवादी पार्टी ऑफिस में गिने चुने कार्यकर्ताओं ने अपने नेता मुलायम सिंह 92 में उत्तराखंड आंदोलन के बाद मुलायम सिंह यादव यहां खलनायक बन गए। उत्तराखंड बनने के बाद मुलायम सिंह यादव के लिए यहां पांव रखना तक मुश्किल हो गया। घटना को देहरादून में अखिलेश यादव आए, प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन उत्तराखंड कोशिश जारी रहेगी कि समाजवादी पार्टियां बने और संगठन जो भी है उसके संगठन और मजबूत दिखाई दे, क्योंकि हमारा और उत्तराखंड का रिश्ता बहुत मजबूत है। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जब नेताजी मुख्यमंत्री रहे ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। मुलायम परिवार के दोनों बहुओं का ताल्लुक उत्तराखंड से है, ऐसे में क्या अब उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का सियासी रिश्ता सुधर पाएगा और क्या अखिलेश यादव के साथ उत्तराखंड की जनता का कनेक्शन जुड़ पाएगा। 2004 में हरिद्वार से समाजवादी पार्टी के एकमात्र सांसद राजेंद्र कुमार बाड़ी जीते, इसके अलावा उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। वो बहुत बड़ा काम यहाँ के विकास के लिए, एक घटना की वजह से नेताजी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी और उस इसका खुलासा समाजवादी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे तैयार हो रहा है और जो सीटें हैं जैसे लक्सर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर और हल्द्वानी पर हम वहाँ आप लोग काम करिए, हम लोग वहाँ काम करके धीरे धीरे जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस काल में सियासत का मौका नहीं मिला, अब देखना ये होगा कि क्या पिता के ऊपर लगे दागों को धोकर अखिलेश यादव देवभूमि में कोई जगह बना पाते हैं या नहीं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।